किसान भाइयों, इस वीडियो में हम किसानों को फसलों के दौरान आने वाली एक बड़ी समस्या यानी वायरस और उसके समाधान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वायरस हमारे चारों ओर के वातावरण में मृत अवस्था में होते हैं और जैसे ही इन्हें अनुकूलित वातावरण मिलता है तो ये जीवित हो जाते हैं और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। सफेद मक्खी, थ्रिप्स आदि जितने भी रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, ये वायरस को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाने में सहायता करते हैं और जब ये वायरस पौधे पर पहुंच जाता है तो धीरे धीरे उस पौधे को खत्म करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते पूरी फसल को तबाह कर देता है। ये तकरीबन हर तरह की फसल में किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायरस जैसी भयंकर परेशानी से निजात पाने के लिए ग्रीन प्लैनेट लाया है पावर प्लांट वायरोसोल। ये वेक्टर के संपर्क में आने पर उसकी कार्य प्रणाली तथा ट्रैम लामिना पर नियंत्रण करने में सहायता करता है। यह नाड़ी तंत्र पर कार्य करता है तथा वयस्क और निम्फ वेक्टरों के इलेक्ट्रॉन परिवहन पर कार्य करता है। यह निम्फ को अंडे से निकलने के तुरंत बाद मारने में सहायता करता है। मादा कीट इसके संपर्क में आने से अंडे देने बंद कर देते हैं। 8 से 10 दिनों के अंतराल पर दूसरे छिड़काव से वायरस का काफी हद तक नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं: 1. वायरस वेक्टर पर प्रभावी नियंत्रण करने में सहायता करता है। 2. इसमें पौधों का विकास करने की विशेषता पाई जाती है। 3. लंबे समय तक प्रभावी। 4. वातावरण का मित्र। 5. मानव, जानवरों तथा पौधों के लिए विष रहित है। 6. खाने वाली फसलों के लिए यह जहर रहित है। 7. इसका कम दर पर प्रयोग भी बहुत प्रभावशाली है तथा प्रयोग करने में सस्ता है। 8. प्रतिशत पौधों के अर्क से तैयार किया गया है। 9. मित्र कीटों के लिए सुरक्षित। प्रयोग विधि: शुरुआती अवस्था में 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फोलियर छिड़काव करें। ग्रीन मॉर्निंग।